हेलो एवरीवन। सो हमें स्टार्ट करीब अभी का 2015 A16 मैथमेटिक्स पेपर देखिए। मैथमेटिक्स सॉल्यूशन वो कंप्लीट करीब अपना आ रहे क्वेश्चन नंबर 1 रू टिल क्वेश्चन नंबर 50। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई विल बी सॉल्विंग हैला जितनी जल्दी हो परबा जल्दी करिए ताकि आपन को भी टाइम सेव हो हैला। बेस्ट अप्रोच एग्जाम सिनेरियो रे कोन हे पर थांता मु सब आपन को देखेबी ठीक अछि। आपन को बस गोटे इनसम एक्सपेक्ट करू छी माने मु तो गोटे वीडियो रे 50 टा क्वेश्चन सॉल्व करिया पूरा कंप्लीट एएसओ पेपर मु सॉल्व करेबी। आई डोंट थिंक अभी का 2015 रो पेपर YouTube रे भी कंप्लीट थिवो नथिवो। 2015 रो एएसओ पेपर मते कंप्लीट YouTube रे नाही हला माने एएसओ रो मैथमेटिक्स कंप्लीट सॉल्यूशन गोटे वीडियो रे तो मु करू छी आपन पई एते एफर्ट दिया हो छी। 2019 रे मु कर देथली ता 2019 रो पेपर सॉल्यूशन एई चैनल रे अछि आज 2015 भी हो। तापरे आपणकर एएसओ हाईकोर्ट मेन जो एग्जाम होता है एएसओ तार भी मैथमेटिक्स सॉल्यूशन चैनल आप पाइबे। सो एत एफर्ट दिया हूँ मुझे बस आपको ये एक्सपेक्ट करुँच कि आप काइंडली वीडियोटा जब आपको ठीक लगे जब एफर्ट मोर एफर्ट आपको अनेस्ट लगे काइंडली वीडियो शेयर करेंगे ये सांग सहित तेल आमको मोटिवेशन मिले कि हाँ ये एफर्ट दिया हूँ तो पिला भी वैल्यू कर ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 द डेसिमल एक्सप्रेशन 23 डिवाइड बाय 2 क्यूब इनटू 5 स्क्वायर विल टर्मिनेट आफ्टर। ओके आम देखु डिनोमिनेटर टा एबे जाने गोटे मल्टीपल ऑफ 10 नाही ताहले एठी 5 मल्टीप्लाई कर देबी ऊपर ही 5 मल्टीप्लाई कर देबी। 5 काहे की मल्टीप्लाई करली बिकॉज इट विल बिकम 23 इनटू 5 डिवाइड बाय 2 क्यूब इनटू 5 क्यूब राइट। तो तळे बेसिकली 1000 पळे आसला तळे 1000 पळे आसले 115 बाय 1000 10 क्यूब हला। सो इट विल बिकम 0.115 सो ऑप्शन सी एटा 5 मल्टीप्लाई डिवाइड करले दैट इज फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन फाइन। क्वेश्चन नंबर 2 3 प्लस 2 रूट 5 इट्स बेसिकली इरेशनल नंबर एटा इरेशनल नंबर हो। इफ यू वांट टू प्रूव कि केमिति इरेशनल नंबर ले देन वी कैन प्रूव दिस बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। केमिति लेट्स अज्यूम दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। यदि रैशनल नंबर हला ताले रैशनल नंबर इज ऑलवेज ऑफ फॉर्म ए बाय बी वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0 हला। ए एंड बी आर बेसिकली इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0 तो मु कहि परिबी 2 रूट 5 इक्वल टू ए बाय बी माइनस 3 राइट। ए बाय बी माइनस 3 समय दिस इज इक्वल टू ए माइनस 3 बी बाय बी राइट। दैट इंप्लाइज आई कैन से रूट 5 इक्वल टू ए माइनस 3 बी बाय 2 बी राइट। ओके जदि एटा हला त माने मु कोन कहबी मु आपन को कहितली फर्स्ट ए और बी होचंति इंटीजर्स आ गोटे इन सोच देयर को प्राइम इंटीजर्स है ना केना रैशनल नंबर कोइ ना। ओके बेसिकली द एचसीएफ 1 थियो ए और बी रो एचसीएफ 1 इथियो को प्राइम माने सेटा राइट। ओके त माने दी दिस एक्सप्रेशन न्यूमरेटर टा दिस इज अ रैशनल दिस इज अ इंटीजर बेसिकली एंड डिनोमिनेटर टा भी गोटे इंटीजर त माने कोन दिस पार्ट इज अ रैशनल नंबर दिस पार्ट इज अ रैशनल नंबर। आरएचएस टा गोटे रैशनल नंबर हेगला आरएचएस टा दिस इज अ रैशनल नंबर होनी के ऊपर डा गोटे इंटीजर आसला तळडा गोटे इंटीजर एटा गोटे रैशनल नंबर हेगला। बट रूट फाइव इज इरेशनल वी नो रूट फाइव इज इरेशनल। आरएचएस टा राइट हैंड साइड टा गोटे रैशनल नंबर आसची एलएचएस टा गोटे इरेशनल नंबर आसची ता माने कोन आवर अजम्पशन इज रॉन्ग आवर अजम्पशन दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज ए रैशनल नंबर दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जदि एटा रॉन्ग हेगला ता माने ऑब्वियसली 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर आमे एठी प्रूव करले बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन फाइन। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर ए एंड बी बीइंग को प्राइम ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर कौन हम ऑलवेज को प्राइम क्या है कि ए और बी जदि को प्राइम अछंती ता माने कौन तांको एचसीएफ टा होची 1 राइट। एचसीएफ 1 ता माने कौन जदि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर भी कली ता किछ कॉमन फैक्टर नहीं ना ए और बी भीतर किछ कॉमन फैक्टर नहीं कॉमन फैक्टर होची 1 ताले ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ए इनटू ए बी इनटू बी यांकर भी किछ कॉमन फैक्टर आसीबो कि जदि ए और बी भीतर किछ कॉमन फैक्टर नहीं ता माने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर भीतर किछ कॉमन फैक्टर आसीबो नी ता माने एठी भी दिस विल अगेन रिमेन को प्राइम ता माने मो ऑप्शन सी कहि द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 टू 10 बोथ इंक्लूसिव माने 1 और 10 इंक्लूड करना कौन होगा तो लीस्ट नंबर माने वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 टू 10। एलसीएम माने कौन हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम्स एलसीएम टा बेसिकली लोएस्ट कॉमन मल्टीपल टा केमती बाहर करा हुए एलसीएम टा बाहर करा हुए हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम्स नै किना 1 रु 10 भितरे हला ताले 2 रो हाईएस्ट पावर केते आछि 3 केमती 3 आछि 8 टा हो हाईएस्ट नंबर 1 रु 10 भितरे हला 2 रो हाईएस्ट पावर होछि 3 आछि 3 रो हाईएस्ट पावर केते आछि 3 स्क्वायर आछि 9 आछि तापर आउ कोन प्राइम आछि 5 आछि आउ 7 आछि ता माने यांको प्रोडक्ट टा बेसिकली हला दिस इज बेसिकली हाउ मच दिस इज बेसिकली इफ यू मल्टीप्लाई दिस इज कमिंग आउट टू बी 2520।
in Euclid's division lemma, A equal to BQ plus R, where R is greater than equal to 0 is less than B, right? Then the numbers A and B are okay. तामने हमें जानी चाहिए थी dividend, dividend D and D, dividend equal to divisor into quotient plus remainder. इटा हो ची basic form में जानी चाहिए थी dividend टा divisor into quotient plus remainder. माने मु कौन कहूँ ची? Let's say 88 number अच्छी A D है ला. ताको divide करली उट number. Let's say B ने divide करली. इटा असला Q है ला. आमर remainder असला R. तान मु कहीं परी भी D equal to BQ plus R, right? Where D is the dividend, Q ta hochi quotient, B ta hochi divisor, R ta hochi remainder, right? Okay. Ta mane eti kon hala? Pachar ji kon? The numbers A and R are, okay. A ta kon? A ta basically, A ta D jo hetla, eta kon dividend, A ta hochi apan kor dividend, hala. Ab R ta kon? R ta remainder. If A and B are two odd prime numbers, then A square minus B square. Eti दिस एन ऑब्जेक्टिव एग्जाम आमको स्टेप मार्किंग नहीं तो बेसी आपनो प्राइम नंबर को 2p प्लस 1 हला 2p प्लस 1 आउ गोटे को 2q प्लस 1 हला एमिति अज्यूम करना डिटेल सॉल्व करे दरकार नहीं हला एठी कोन ना वी कैन अज्यूम नंबर्स हला गोटे प्राइम नंबर को मान दो छी 3 आ गोटे मान दो छी 5 25 माइनस 9 माने 16 आउ छी 16 टा कोन 16 टा हो छी गोटे इवन नंबर भी आ कंपोजिट भी बट आमको सब बड़े बड़ा सेट नबार छी बिगर सेट टा कोन कंपोजिट राइट जदि गोटे नंबर पे सटिस्फाई कला माने इटा ऑलरेडी ट्रू हे गला आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से तले दिस इज डी हला टू पॉजिटिव नंबर्स पी एंड क्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी इक्वल टू एबी स्क्वायर क्यू इक्वल टू ए क्यू बी हला ए एंड बी बीइंग प्राइम नंबर्स देन एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू एलसीएम टा होची हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम एटा आपण जानि चंदी एलसीएम टा होची हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम एट देखंतु ए आ बी तो ऑलरेडी प्राइम अछि हला यांक एलसीएम रे कोन हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम निआबो बी रो एटी बी स्क्वायर अछि एटी बी अछि ता माने बी रो स्क्वायर निआबो ए रो इट ए अछि और ए क्यूब अछि हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम माने इठी निहाव दिस इज द एलसीएम एलसीएम टा होची लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एलसीएम कैलकुलेट करावे हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम रे ए आ बी ऑलरेडी प्राइम अछंती हला ताले हाईएस्ट पावर माने बा ता माने ए क्यूब बी स्क्वायर को ऑप्शन अछि ए क्यूब ऑप्शन सी अ रैशनल नंबर x इक्वल टू p बाय q हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन ओके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन ओके डेसिमल एक्सप्रेशन फर्स्ट को छी prime factorization of q is a form atiki decimal expression terminating hobo p au q jete bele q ta heithiba ei form ro 2n into 5m hala aur 2a into 5b ei form re thibo hala sei thikon na eta terminating decimal asibo where m and n are kon m au n hochanti non negative integers hala to option c hobo answer thik achi एठ कहे कि बिकज डेसिमल होची बेस 10 बेस 10 टा को हमें को प्राइम प्रोडक्ट लिखिले 2 इनटू 5 लिखि परबा बुझछते आपण डेसिमल स्पेशल कहि नै डेसिमल टा होची बेसिकली आपण कर 10 बेस 10 डेसिमल टा होची बेस 10 बेस 10 टा को प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम लिखिया ताले हमें 2 इनटू 5 लिखि परबा ता माने जदि डिनोमिनेटर टा जो लिखाई नि p / q q टा जदि फॉर्म होबो 2m * 5n सबले एटा कोन टर्मिनेटिंग डेसिमल होबो हला जदि लेट्स से हमें डेसिमल एक्सप्रेशन हमें नकर ना हमें लेट्स से हमें बेस 12 रे कैलकुलेशन करिया बेस 12 मारो कॉन्सेप्ट कह दो छी लेट्स से हमें बेस 12 रे कैलकुलेशन करिया बेस 12 रे टर्मिनेटिंग केम दियो बेस 12 रे अगेन तक ब्रेक करन तो प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम्स 12 टा होची 4 * 3 हला ता माने यदि डिनोमिनेटर थिबो 4 टू द पावर n एंड 3 टू द पावर m हला ताहाले एटा टर्मिनेटिंग होबा कोठी बेस 12 रे बट एठी हमें कथा कहू छी डेसिमल माने बेस 10 कथा कहू छी हमें तो सेठी हबो ऑप्शन सी फाइन Question 9. The rational a rational number 1.16 bar. 1.16 bar. In simplest form is in simplest form. जित्ती की number ऊपरे bar अच्छे तेरी टा 9 आज जियो. हैला 1 point अच्छी माने 1 रे वो whole number रे. हैला 16 by 99. जित्ती की ऊपरे bar थी वो सेती की टा 9 आज जियो. मरे पढ़े भी अपन को लाये. अपन को पढ़े भी number system रे. कहीं की ऐडा ये हो जी. तो this is one whole 16 by 99. अभी क्या ऐडा हो जाती मु इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रे कन्वर्ट करबी एटा कोन दिस इज बेसिकली एटा होची गोटा आपनकर मिक्स्ड फ्रैक्शन टा आपन किंतु एठी कोन मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है जी की एठी मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है नी इट दिया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो कोन करिया मैं 99 * 1 + 16 दैट इज 115 / 99 सो ऑप्शन सी इज द आंसर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलीनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री राइट If a and b are zeros, zeros माने basically roots, हैला roots of solution, सेटा वो zeros पे होंगे, roots of solution, roots of quadratic equation तो हमें कहीं पर ये zeros of quadratic equation, हैला, okay.
a and b are zeros of quadratic polynomial ax square plus bx plus c, then alpha okay a and b no and alpha beta likha hai chala, then alpha plus beta equal to sum of roots. Basically what quadratic equation mein dita root tha hai na, to sum of roots tha kon hue minus b by a, option b. Next apan ko hai chi if zero of a quadratic polynomial, zero mane kon root of a quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2. Okay, माने गोटे root होची 2, then value of k एक पचार ची. तमाने जोड़ा जोड़ा होची root, सेटा को put करी जाती quadratic equation रे, तमाने कौन? Zero आसी बो. माने ना root माने कौन? That is one of the solutions. ठीक है ची. तमाने put कर दो 2 रफ value टा. कलेक्टर कौन होची? 4 plus 2 square माने 4 plus 6 plus k equal to 0. That is the root माने कौन? देखो put करले 0 आसी बो, right? ऐडा solve कर दो ची. That is the meaning of root. तमाने 10 plus k equal to 0 तो k equal to minus 10, so option D. If alpha beta gamma are the zeros of a cubic, zeros माने roots of a cubic polynomial ax cube plus bx square plus c is d, then product of roots alpha into beta into gamma is called product of roots. Product of roots माने कहते in case of cubic polynomial minus d by a. If one of the zeros, one of the roots, zeros माने roots of a of the cubic polynomial x cube plus ax square plus bx plus c is minus 1, quarter root minus 1, then product of the other two zeros, other two roots are product of the mane ami jani chanti, let's say tinta roots hochanti gote alpha gote hochi beta gote hochi gamma, tinta roots hochi eta ha mane x cube likhai chha cubic polynomial to tinta root bahario ei tinta roots product of two roots pacharchi, two roots mane ami jani chanti alpha beta plus eta polynomial ra basics beta gamma plus alpha gamma. When product of three roots taken two at a time, this is equal to coefficient of x. Coefficient of x kete b. Arey a jo a thi. Coefficient of x kete achi b achi na. B by coefficient of x cube. X cube ro coefficient kete one. This is b directly. Alpha ro value ta ame minus one assume kar doa. Kahin ki kahin na diya hai chhi already question re. Ki one of the zeros is minus one. One of the zeros mein one of the roots minus one diya hai chhi. Mene alpha ta ko let's assume alpha hoch minus one. Hala. Tahale kon hoga expression. माइनस बी प्लस बीटा गामा माइनस बी माइनस बीटा प्लस अल्फाटा माइनस वन तमाने माइनस गामा इक्वल टू बी दैट इम्प्लाइज आई कैन से कौन बीटा इनटू गामा हम उधर का कहना हम उधर का कौन प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स बीटा इनटू गामा इक्वल टू बी प्लस बीटा प्लस गामा एटा असला हमर प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स बट हमको दरकार कि एई फॉर्म रे एठी बीटा और गामा अछि तीटा रूट्स अछि बट हमर ऑप्शन रे कोठी बेटा अछि कि नहीं ना माने हम ऑप्शन रे बेसिकली एई फॉर्मेट रे अछि हला कोफिशिएंट ऑफ एक्स रे फॉर्मेट रे अछि हमर ई बीटा और गामा को हमको एलिमिनेट करया पड़ियो केमिति एलिमिनेट करिया हमें जान चंती अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस ए बाय 1 हला कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब हला माने दिस इज माइनस ए बेसिकली ठीक अछि ताहाले दैट इंप्लाइज बीटा प्लस गामा टा केते हबो माइनस ए आ अल्फा टा तो ऑलरेडी माइनस 1 दिया है जी क्वेश्चन रे माइनस 1 ठीक अछि माइनस ए माइनस 1 अबिका ए टा को एठी रिप्लेस कर दियंतु सॉरी माइनस 1 नो माइनस 1 ए पड अछि माने एटा असले प्लस 1 हि जइबो हला एटा रिप्लेस कर दियंतु केते हि जो बी तो ऑलरेडी थिला त माने बी माइनस ए प्लस 1 सो दिस हैज टू बी द आंसर b minus a plus 1 कौन ऑप्शन c. If one of the zeros माने होची roots, one of the zeros of the quadratic polynomial, a quadratic polynomial रो होची minus 3, हैला ताले value of k. जब roots है ताले put कर ले zero आ जाएगा था, put कर दिया तो x जगह रे, कौन? X जगह रे minus 3, तामने k minus 1 into 9 plus 9k प्लस 1 इक्वल टू 0 अबिका एउठ अपन सॉल्व कर देबे के रो वैल्यू केते बाहर छै एडा आंसर एति तो कहि परिबे मु नेक्स्ट क्वेश्चन मु करू छै. इफ एन nth डिग्री पॉलीनोमियल इज डिवाइडेड बाय mth डिग्री पॉलीनोमियल nth डिग्री पॉलीनोमियल को mth डिग्री पॉलीनोमियल डिवाइड करले पॉसिबल डिग्री ऑफ द कोशेंट कोन हो n माइनस m राइट आरे गोटे क्यूबिक पॉलीनोमियल को जदों क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल डिवाइड करबी त माने कोन कोशेंट बेसिकली गोटे लीनियर पॉलीनोमियल आसीबो राइट लेट्स से x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव या को डिवाइड एडा क्यूबिक पॉलीनोमियल के नहीं हाईएस्ट हाईएस्ट पावर टा क्यूब अछि एटा डिवाइड करबि गोटे लेट्स से क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल रे एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले आसे डिवाइड करबि जहां भी आसु मत जाना दरकार नहीं क्वेश्चन कोन आसीबो बट
क्वेश्चन जहां भी आसीबो एटा x टर्म रे आसीबो कि नहीं याद है x स्क्वायर रे x मल्टीप्लाई करले से x क्यूब आसीबो त माने कोन दिस माइनस दिस राइट सेइत पे n माइनस m राइट ऑप्शन डी इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 ओके देन 1 माइनस अल्फा माइनस 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा दिस इज अल्फा बीटा द आपनकर एलसीएम हबो ताहले दिस इज बीटा माइनस अल्फा राइट बीटा माइनस अल्फा फर्स्ट अल्फा बीटा बाहर कर दो ए इक्वेशन रु ता रूट बाहर कर दो एठी आपनकर प्रोडक्ट ता होची माइनस 2 सम ता होची 1 ता माने कोन नंबर सही थिबो गोटे 2 हेथियो और माइनस 1 हेथियो ता माने रूट सही थिबो माइनस 1 गोटे आ गोटे माइनस 2 गोटे हेथियो आ गोटे 1 हेथियो ठीक अछि एटा लेट्स से अल्फा दिस इज बीटा ठीक अछि ताहले एटा बाहर करिया एक्सप्रेशन ता बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस ऑफ माइनस 2 दैट इज हाउ मच 3 3 डिवाइड बाय अल्फा बीटा कोन होची दैट इज माइनस 2 ता माने गोटे आसला आपनकर एटा हला आ गोटे केस कोन हे परियो जेतो बेले माइनस 2 टा बीटा हेतिबो आ एटा अल्फा हेतिबो राइट तो सही केस रे कोन हो माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 1 माने माइनस 3 डिवाइड बाय माइनस 2 इनटू 1 माने माइनस 2 दैट इज 3 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 3 बाय 2 ठीक है तले ऑप्शन बी इज द आंसर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस kx plus y plus 1 equal to 0 and x plus ky plus 2 has unique solution. Unique solution case kona? Jadi gotte linear equation achi a1x plus b1y plus c1 equal to 0 agote achi a2x plus b2y plus c2 equal to 0 tahale eti unique solution case ta kona? Unique solution case ta hochi a1 by a2 should not be equal to b1 by b2 माने बेसिकली एटा ओटे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एटा ओटे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन गुडा होची इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस तांको स्लोप अलगा थिबो हला खैर हमको एठी स्लोप स्लोप दरकार नै आते हला स्लोप अलगा थिले दिटा लाइन इंटरसेक्ट करियो हला इंटरसेक्ट करले तांको यूनिक सॉल्यूशन आसीबो ताने a1 / a2 इज नॉट इक्वल टू b1 / b2 तो सेइटा को एठी अप्लाई करंतु हला एठी अप्लाई करले कोन हबो को केस रे जदी k टा माइनस 1 होची ता माने कोन a1 / a2 एटा होनी दिस इज नॉट सैटिस्फाइंग एही केस रे भी होनी यूनिक सॉल्यूशन हला ओनली यदि k डा 2 थिवो त माने गोटे आपण कर k डिवाइड बाय 81 माने जदि k डा 2 पुट करले गोटे होची 2 आ गोटे होची 1/2 आ गोटे होची आपण 1/2 त माने एही केस रे a1 / a2 इज नॉट इक्वल टू b1 / b2 असला त माने एटा होची गोटे पॉसिबिलिटी राइट स माने ऑप्शन सी इज द आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव नो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन कोन सिस्टम ऑफ इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस एटा कोन कहिजे वैल्यू ऑफ सी फॉर व्हिच द पेयर ऑफ इक्वेशंस एटा एंड एटा विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन माने कोन दीटा लाइन कोइंसिडेंट हिजियो माने ओवरलैप कर जिवो ता कंडीशन कोन धरम दीटा लाइन अछि a1x + b1y + c1 = 0 आ गोट लाइन अछि a2x + b2y + c2 = 0 ए दीटा लाइन अछि तो यार कोइंसिडेंट होवार कंडीशन कोन कोइंसिडेंट माने दीटा लाइन ओवरलैप कर जिवो सेही केस रे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होबो से कंडीशन होची a1 / a2 इक्वल टू b1 / b2 इक्वल टू c1 / c2 है ना एटा हे गले इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन सेही जिवो तो एही फॉर्मेट लागि तो एही फॉर्मेट जदि मु लिखिबी तो हबो cx + माइनस y बेसिकली क्वेश्चन टा ओवरऑल क्वेश्चन मुहे मुहे करियाबो बट मु बुझेया पहिले कुछ हैला प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0 सेकंड इक्वेशन होची 6x प्लस माइनस 2y प्लस माइनस 4 इक्वल टू 0 हैला हां तो एटी कंडीशन कोन हैला एही कंडीशन हमकु दरकार हमकु कंडीशन दरकार हमकु दरकार एही कंडीशन हैला तो एही कंडीशन अप्लाई करबी तहले एड देखंतु ए केस रे कोन होची माइनस 2 बाय माइनस 4 दैट इज 1 बाय 2 इक्वल टू एठी माइनस 1 बाय माइनस 2 अगेन 1 बाय 2 तो दीटा कंडीशन एठी आसी गला ताले आउ गोटे ए 1 बाय 2 भी कोन 1 1 बाय 2 होबा दरकार ताले सी डा कोन होबा दरकार सी होबा दरकार 3 एटा तो ऑलरेडी 6 अछि ताने एठी यदि 3 बाय 6 हेगला ताले 1 बाय 2 होइजियो ताले इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होइजियो तो एठी सी रो वैल्यू कोन दरकार मते 3 दरकार नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस
एंगल पी देइछि, एंगल क्यू देइछि, एंगल आर देइछि, एंगल एस देइछि। हमको जाना अच्छे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रे अपोजिट एंगल्स रो सम होजु 180 डिग्री। ओटे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रे ओटे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए भले अच्छे लेट्स से हला सर्कल टच करथियो चारटा वर्टिसेस को, एटा कोन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हला चारटा वर्टिसेस को सर्कल टच करथियो। तो एठी कोन ना अपोजिट एंगल सम ए एंगल लेट्स से मा नेम कर दोची ए बी सी डी। ए बी सी डी करनी पी क्यू आर एस कर दोची, काहेना क्वेश्चन रे देची पी क्यू आर एस नै। हां ठीक अछि, ए बी सी डी कर ले बुझी पारियो, बट मो कन्वीनियंस पे कर दो छी पी क्यू तापर आर एंड एस। ठीक अछि, तो बेसिकली एंगल पी प्लस एंगल आर ता होची 180 डिग्री, लाइकवाइज एंगल क्यू प्लस एंगल एस ता भी 180 डिग्री। एटा होची प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक अछि, अपोजिट एंगल रे सम होची 180 डिग्री, तो से कर दवा तो 2x plus 4 plus 2y plus 10 equal to 180 degree। थेटा को मुझे सॉल्व करी भी ताले कितने हो जी x plus y equal to 83 degree हो जी। Likewise 2y plus 3 plus 4x minus 5 equal to 180 है ना। ताको सॉल्व करे कितने हो जी y plus 3 plus 4x minus 5 equal to 180। थेटा को सॉल्व करे कितने हो जी That is 4x plus y equal to 182, है ना? Okay, एटा सॉल्व करी मो, एटा और एटा ऐड करले 180 होनी की, है ना? तो एटा ये सॉल्व करी मो, सॉल्व करले अपन सॉल्व करी वे सॉल्व करले x टा वासी वो कते? 33 डिग्री और y टा वासी वो x टा पुट करना थी, x टा को 33 पुट कर दियो तो कर दिले y टा वासी वो 50 50 डिग्री हला जदी आसी गला ता परे सिंपली एठी एक्स और वाई रो वैल्यू पुट कर देबे कोन पी रे वैल्यू पुट कर देबे क्यू रे पुट कर देबे आर रे एंड एस रे तो ऑप्शन ए हो आंसर। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 विल हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल खाली रियल रूट्स कहितले डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होइतांदा, जति ओनली रियल रूट्स कहितांदा, बट एठी कहि रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स ताहले खाली ग्रेटर देन 0 हो हला। तो डी टा होची कोन बी स्क्वायर माइनस 4 एसी, त माने ऑप्शन बी हो हला। रियल एंड इक्वल कहितले बी स्क्वायर माइनस 4 एसी इक्वल टू 0 होइदांदा। ठीक अछि, बट एडी कहि रियल आउ डिस्टिंक्ट रूट्स हला, अदि खाली रियल कहितांदा खाली रियल रूट्स ताले दीटा कंडीशन होइदांदा ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक अछि, अगेन दिस इज वेरी सिंपल कहिछि। फिफ्थ टर्म टा होची 1, 11th टर्म ऑफ द एपी इज -17 कहिछि, व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज -77 हला। फिफ्थ टर्म माने ए प्लस 4डी equal to how much, this is given as 1, tapare a plus 11th term man a plus 10d it is given as -17 right, dita equation ko subtract kar diya, subtract kar dile kon a cancel hai jibo dhale -6 equal to 18 to d equal to as jibo it solve kale -3 right, okay jodi d ta -3 pale asla tahale 80 put kar diyo ki second re put kar diyo hala, tahale a ta kete bahari jibo, a bahari jibo ए बार जो 13 राइट, एटा 13 आसी गला। एटा सिंपल यू कैन जस्ट पुट इट हला, एटी पुट कर दबो, एटी कले -12 हो जाउछ, एपर कले 13 हो जो राइट, तो एटा होची 13। जदि एटा 13 हे गला तापर मु जानि छी मते कोन व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज -77 ओके, को टर्म लेट्स से एनएच टर्म हला, तहले मु कहि परिबी -77 इक्वल टू फर्स्ट टर्म ता तो होची मोर केते 13 प्लस को नंबर टर्म मते जाना नहीं, तो n माइनस 1 होल इनटू d, d टा केते आछी -3 राइट, एड में अप्लाई कर दिली फार्मूला कोन -77 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d, तब रे यू टू सॉल्व कर ले आछी कोन यू टू सॉल्व कर ले यू विल गेट फाइंड आउट फाइनली n इक्वल टू 31 हला, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन 24 एटा दिसु छी हला ऑप्शन बी हला, बेसिकल तीनटा नंबर a b c एपी रे थिले 2b equal to a plus c हला, मिडिल टर्म डबल टा होची एक्सट्रीम रो सम कोठी सटिस्फाई करू छी, तब ऑप्शन बी नॉर्मल चेक कर दबो डिफरेंस यांकर डिफरेंस जहा यार यार डिफरेंस है, तले दिस इज सटिस्फाइंग राइट। एड रे कोन होची फॉर व्हाट टर्म, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2ap, एटा ओटा ap अछि ओ एटा ओटा ap अछि इक्वल हला, एटा कोन एटा ओरल क्वेश्चन टा मुहे मुहे करियो, एटा कोन होची फर्स्ट टर्म a plus n minus 1 n minus 1
into d. First ap ra common difference kete achi 2 achi ta 2 equal to second ap ra dekho first term ta achi 3 plus n minus 1 common difference kete achi 7 right tahale this implies 63 3 ta mane 60 equal to eta ar patu gale kete hobo 5 into n minus 1 अरे 7n minus 1 थिला 2n minus 1 गले 5n minus 1 होबनी तहले n equal to 13 right 13 right option एड़ा कौन देची इनन एपी first term is minus 22 nth term n तो माने last term होची minus 11 sum of first n terms होची 66 the common difference is common difference के ते पचारची right okay ap रो sum रो formula मुझ जना आची ap sum रो formula कौन number of terms by 2 into first term plus last term फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म हला फर्स्ट टर्म टाक मे ए मानु छी लास्ट टर्म टाक एल मानु छी हला सम दिया है छी केते 66 राइट आ पुट कर दिया एटी एन द वैल्यू हम जाना नहीं हला एन बाय 2 फर्स्ट टर्म टा हो छी 22 लास्ट टर्म टा हो छी माइनस 11 माने दिस इज इनटू 11 अरे 22 माइनस 11 11 नो दिस इज 66 ता माने एन टा केते असला एन इक्वल टू 12 हला एन टा असला 12 माने नंबर ऑफ टर्म्स टा असला 12 अभी का पचार छी कॉमन डिफरेंस अभी का बाहर करे हमें कॉमन डिफरेंस केन बाहर करिया हम को जणा छी ए टा होची फर्स्ट टर्म टा होची केते 22 प्लस एन टा होची केते एन टा 12 नंबर ऑफ टर्म्स ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी हला एन माइनस 1 एन टा होची एन टा नंबर ऑफ टर्म्स ए प्लस एन माइनस 1 माने 12 माइनस 1 इनटू कॉमन डिफरेंस टा मते जणा नहीं इक्वल टू डी लास्ट टर्म टा केते माइनस 11 हला तो लेट्स सॉल्व कर दियो तो कोन ना दिस इज कते हो जे डाय पडू गले दिस इज 33 राइट त माने डी इक्वल टू ए डाय पडू गले माइनस त माने डी इक्वल टू माइनस 3 हला तले ऑप्शन सी राइट एडा कोन अछि अ स्टील वेयर इज इन फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर हला गुड स्टील वेयर टा फॉर्म ऑफ स्क्वायर सेम वेयर नाउ दिस इज इंपोर्टेंट सेम वेयर कथा कहि छि दिस इज सेम वेयर सेम वायर इज बेंट इन फॉर्म ऑफ अ सर्कल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ओके गोटे स्टील वायर अछि तना इट इज कोन सेम सेम कोन रहइबो इट तो कॉमन सेंस जाना पडुछि जदी गोटे स्टील वायर गोटे वायर अछि एडा गोटे वायर अछि हला एही वायर टाको एही सेम वायर को फर्स्ट गोटे स्क्वायर बनेली हला तापर एही सेम वायर रो गोटे सर्कल बनेबी तले कोनटा सेम रहइबो वायर रो लेंथ टा सेम रहइबो नो ए जो सेम वायर टाको फर्स्ट मु गोटे स्क्वायर फॉर्म रे बनेली सेम वायर टा गोटे सर्कल बनेली तार कोन पेरिमीटर सेम रहइबो राइट पेरिमीटर माने स्क्वायर रो लेंथ जो ये वायर रो लेंथ रा सेम रहइबो एठी भी सेम लेंथ एठी भी सेम लेंथ दैट्स अ 5 मीटर त माने एठी भी एटा 5 मीटर लेंथ रहइबो एठी भी एटा 5 मीटर लेंथ माने पेरिमीटर सेम रहइबो एठ त पेरिमीटर कथा कोठी कहिनी सबुठी एरिया एरिया कथा कहू छी एरिया होबनी ताले दिस नन ऑफ दिस अ स्टील वायर इज इन फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर इट इज बेंट इन फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर ठीक अछि लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर एठी कोन बेसिकली पेरिमीटर माने पेरिमीटर सेम हो ताले सर्कल कथा कहै छी सर्कल पर सर्कल रो सर्कमफेरेंस कोन 2 पाई r 2 इनटू पाई टा 22 बाय 7 लास्ट क्वेश्चन ते बुझै लिबा लेंथ रा सेम रहबो पेरिमीटर टा को सर्कमफेरेंस कहंती सर्कल रो 2 पाई r r टा होजी केते 28 दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर जाना नै दिस इज इक्वल टू 4a राइट 4a हले एटा को 4 4 कटले 7 7 7 कैंसिल हला ताले दैट इंप्लाइज a इक्वल टू 44 राइट ऑप्शन ए पेरिमीटर ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर अरे सेमी सर्कल को भया हो एई बले आसीबो आ एठी एटा हो जे आपन कर सेंटर राइट एटा हो जे आर एटा को सेंटर मान जे ओ माने सेंटर आ एटा हो जे आर हला तले पेरिमीटर केते हो 2 पाई आर टा कंप्लीट सर्कल रो पेरिमीटर तले हाफ रो केते हो पाई आर राइट आ ए जो आपन को एई पार्ट पाई आर तो हला प्लस एई पार्ट दिस इज आर प्लस आर दैट इज 2r माने बेसिकली डायमीटर ताले इफ एन आर्क मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा थीटा लेस देन 180 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर देन द लेंथ लेंथ पचार जी एरिया नो लेंथ ऑफ द आर्क इज व्हाट बहुत सिंपल एडा ओरल क्वेश्चन ओडा सर्कल गोटे अछि लेट्स से सर्कल रे सेंटर टा होची ओ हला लेंथ ऑफ आर्क पचार जी ओके आर्क माने कोन एनी पार्ट ऑफ द सर्कल को पार्ट ऑफ सर्कल सेटा एनी पार्ट ऑफ सर्कल टा को आर्क कहन दिला लेट्स से दिस इज थीटा थीटा पचार छै नै थीटा कहि छै नै थीटा लेस देन 180 डिग्री मोय एटा मान देल थीटा डिग्री हला एटा होछ आर टा कोन रेडियस हला पचार छै लेंथ ऑफ आर्क माने खाली एई लेंथ टा पचार छै
এটা মনে রাখন্তু এই যে লেন্থটা পচারছি এরিয়া পচারনি হ্যাঁ আমি জানি লেন্থ কথা কইলা মানে আমি ভাবিয়া সারকমফারেন্স কথা হ্যাঁ এরিয়া অফ সেক্টর পড়াইছিলি আপনাদের মেনস্ট্রুয়েশন রিভিজন ভিডিওরে এটি লেন্থ কথা কইছি মানে আমি সারকমফারেন্স করিয়া সারকমফারেন্সটা কোন 360 ডিগ্রি কমপ্লিট সার্কেলর সারকমফারেন্স হচ্ছে 2 পাই আর হ্যাঁ এগেইন মু এমফাসাইজ করছি এটি লেন্থ কইছি এরিয়া কইনি হ্যাঁ পাই আর স্কয়ার চিন্তা করিবেনি এটি 360 ডিগ্রি 2 পাই আর হ্যাঁ তাহলে 1 ডিগ্রি রকেতে 2 পাই আর ডিভাইড বাই 360 রাইট আর এটি কার লেন্থ দরকার এই আর্ক দরকার লেন্থ হ্যাঁ মানে থিটা ডিগ্রি হতো মানে থিটা ডিগ্রি কত হবে দিস 2 পাই আর ডিভাইড বাই 360 ইনটু থিটা রাইট দ্যাট ইজ হাউ মাচ এটা এক্স্যাক্টলি আপন দিয়া হাইছি কোশ্চেন রে ইনটু থিটা ডিগ্রি রাইট এটি অলরেডি দিয়া হাইছি এটি অপশন এ হ্যাঁ অপশন এ হবো আনসার আর এটা সিম্পলিফাই করতলে পাই বাই পাই আর বাই 180 ইনটু থিটা বাট এটি দিয়া হাইছি অলরেডি তো এটা কর দাও আনসার এরিয়া অফ লার্জেস্ট ট্রায়াঙ্গেল দ্যাট ক্যান বি ইনস্ক্রাইবড ইন সেমি সার্কেল অফ রেডিয়াস আর ওকে এটা ওটে ইয়ে হেলা সেমি সার্কেল ডাউ কর দিও সেমি সার্কেল কোন সেমি সার্কেল মানে ইট মেক্স অ্যাঙ্গেল অফ 90 ডিগ্রি হেলা এটা হচ্ছে সেন্টার সেন্টার রোটে জয়েন কর দিও না লার্জেস্ট ট্রায়াঙ্গেল কইছি দিস ইজ আর দিস ইজ আর দিস ইজ আর তো এরিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেলটা কোন হবো হাফ বেস ইনটু হাইট হেলা হাফ অফ বেস ইনটু এটা তো হাইট হবো আর এটা হাইট হবো ইন কেস অফ লার্জেস্ট ট্রায়াঙ্গেল কইছি হেলা তার মানে হাফ অফ বেস হচ্ছে 2 আর ইনটু এটা হবে এইটা হি হাওয়া হাইট হেলা ইন কেস অফ লার্জেস্ট তার মানে দিস আর স্কয়ার এইটা তো ডাইরেক্ট ফর্মুলা এটা পড়াইছি মেনস্ট্রুয়েশন রিভিজন ভিডিও সার্চ কর দিও তো মো চ্যানেল রে মিলিছিবো মেনস্ট্রুয়েশন রিভিজন ভিডিও রে ডিটেইল পড়াইছিলি ফ্রস্টম অফ কোন হেলা তার ভলিউম ফর্মুলা ডাইরেক্টলি আছে দিস ইজ অপশন সি রাইট আ সিলিন্ড্রিক্যাল পেন্সিল শার্পেন্ড এট ওয়ান এজ ইজ কম্বিনেশন অফ হোয়াট ওকে সিলিন্ড্রিক্যাল পেন্সিল শার্পেন্ড এট ওয়ান এজ কম্বিনেশন অফ হোয়াট কোন এন্ড সিলিন্ডার হেলা এটা সিম্পল এটা কিছু বুঝার নাই কিছু হেলা সিম্পল এটা মেনস্ট্রুয়েশন কোন এটা বুঝাইবে এটা বহুত সিম্পল জিনিস ওটা খালি ইউ ক্যান ইমাজিন ইন দ্য মাইন্ড হেলা আ শাটল কক ইউজ ফর প্লেইং ব্যাডমিন্টন হ্যাজ দি শেপ অফ কম্বিনেশন অফ হোয়াট শাটল কক মানে এক্সাক্টলি যে বার্থডে ক্যাপ হেলা এই ভাইয়া হেলা এই ভাইয়া এই শেপ রা এটা কাহা কাহা শেপ রা অছে কোন দটা তলটা অছে গোটে কোন হেমিস্ফিয়ার হেলা আ উপরটা কোন উপরটা ফ্রস্টম অছে ফ্রস্টম শেপ রা রাইট ফ্রস্টম অফ এ কোন ডিটেইল এটা পড়াইছি মু মেনস্ট্রুয়েশন রিভিজন ভিডিও চেক কর দেবে না বহুত সিম্পল এটা ইজ এ ফর্ম অফ বার্থডে ক্যাপ হেলা তো ফ্রস্টম অফ এ কোন এন্ড হেমিস্ফিয়ার ইন এ সার্কুলার কোন দি ক্রস সেকশন মেড বাই প্লেন প্যারালাল টু দ্য বেস ইজ আ বেসিক্যালি এটা কোন হবো সার্কেল হবো আনসার হেলা আপনার পড়িথিবে ক্লাস 12 রে 11 12 রে কোনিক সেকশন হেলা কোনিক সেকশন প্যারাবোলা হাইপারবোলা এলিপ্স সেটা যদি অ্যাঙ্গেল রেকর্ড করিব তাহলে প্যারাবোলা হাইপারিব নহলে নাই হাইপারবোলা হাইপারিব নহলে এলিপ্স হাইপারিব অ্যাঙ্গেল রেকর্ড কলে বট এটি কোন কইছি প্যারালাল প্যারালাল টু দ্য বেস হেলা তাহলে দিস ইজ সার্কেল কোশ্চেন 36 দি লেন্থ অফ সাইড অফ দি লার্জেস্ট কিউব দ্যাট ক্যান বি ইনস্ক্রাইবড ইন এ স্পিয়ার অফ ডায়ামিটার ডি ହେଲେ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ହଉଛି ଓରାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହାର୍ଡଲି 2 to 3 seconds ହେଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର ଅଛି ହାର୍ଡଲି 2 to 3 seconds କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଲି ମୋ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକୁ ଧ୍ୟାନସେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଫିଗର କରୁନି ହେଲା ସ୍ପିୟରର ଡାୟାମିଟର କେତେ ଡି ଯେଉଁଟା ସ୍ପିୟରର ଡାୟାମିଟର ହେଇଥିବ ସେଇଟା ସ୍ପିୟରର ଡାୟାମିଟରଟା କ୍ୟୁବ୍ର କ'ଣ ଡାଇଗୋନାଲ ହେଇଥିବ କି ନାହିଁ ଲିସନ୍ ଟୁ ମାଇ ୱାର୍ଡସ୍ ଭେରି କେୟାରଫୁଲି ଯେଉଁଟା ସ୍ପିୟରର ଡାୟାମିଟର ହେଇଥିବ ସେଇଟା କ୍ୟୁବ୍ର ଡାଇଗୋନାଲ ହେଇଥିବ କ୍ୟୁବ୍ର ଡାଇଗୋନାଲ କ'ଣ ହେଇଥିବ रूट थ्री इंटू साइड रूट थ्री इंटू साइड अरे क्यूब डायगोनल फॉर्मूला कौन रूट थ्री इंटू साइड ना साइड टा केते हबो दैट इंप्लाइज साइड इक्वल टू डी बाय रूट थ्री इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूब नो कि अरे ए भड़िया गोटे स्पीयर है ना स्पीयर भितर गोटे क्यूब रखा है थ्री डी फिगर टा को टू डी बनाऊँगी तो इमाजिन करूँ यही टाइप रही थी कि नहीं हाँ यही टाइप रही थी मैंने क्यूब र ডায়াগোনালটা স্পিয়ার র ডায়ামিটার হবো ফর দি কন্ডিশন অফ লার্জেস্ট কিউব হ্যাঁ তো এই জিনিস সিম্পল হ্যাঁ হাউ মেনি স্পেরিক্যাল লিড শর্টস ইচ অফ ডায়ামিটার 3 সেন্টিমিটার ক্যান বি মেড ফ্রম কিউবয়েডাল সলিড অফ ডাইমেনশনস 9, 11, and 12 ওকে বেসিক্যালি এটি কোন ভলিউম ইকুয়াল হবো কিউবয়েডিয়াল সলিড র ভলিউম ইকুয়াল টু n into number of lead shots n kahi ki how many pochachi na gotte basically this is volume volume kon volume cuboid ra hochi length into breadth into height this is equal to
गोटे क्यूबॉइडल माने स्फेरिकल शॉट रो वॉल्यूम केते हेतियो 4 बाय 3 पाई आर क्यूब पाई टा देछि 22 बाय 7 तला पाई टा पुट कर दे पाई आर क्यूब आर टा होची केते आर टा होची 3 बाय 2 3 टा देछि डायमीटर तले रेडियस टा हबो 3 बाय 2 पाई आर क्यूब एटा होची गोटे स्फेरिकल लीड शॉट रो वॉल्यूम एमिति केतरा आछि पचाजे हाउ मेनी तो मानुची कि लेट्स से एक्स अछंती स्फेरिकल लीड शॉट्स हला तो कंप्लीट वॉल्यूम ए वॉल्यूम इक्वल टू दिस वॉल्यूम हला अबिका एटी सॉल्व कर देले एलबीएच ऑफ ले आपण पुट करि परिबे 11 इनटू 12 हला सब आसी गेला नि खाली एक्स्ट्रा भारिबो हला पायर वैल्यू पुट कर दे 22/7 सॉल्व कर देले यू विल फाइंड एक्स इक्वल टू 84 मो सॉल्यूशन करना आप टाइम वेस्ट करनी सॉल्यूशन निजे करिबे हला द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 2 पॉइंट एटा कोन बने क्वेश्चन पेपर एक्चुअली कोन प्रिंट है छि 2.6 ना 2.0 मो जानि पोरनी एटा एक्चुअली हला ओके मो कांसेप्ट बुझे दो छि एटी एक्स इनटू एफ स्टैटिस्टिक्स चैप्टर अपलोड करा है छि YouTube रे हला मो पढ़े दे छि ऑलरेडी सेट चेक कर देबे सब जिंस होई छि हला एटी एक्स इनटू एफ मल्टीप्लाई करा हबो आ गोटे टेबल टे करा हबो ठीक अछि तहले कोन हबो एटा दिस इज 4 इनटू 1 4 2 इनटू 5 10 8 इनटू 3 24 एटा हो छि 4 इनटू पी हो छि 4p आउ 5 इनटू 2 10 हला बस अब ये कौन मत दरकार मीन मीन माने यार समेशन xf रा समेशन xf रा समेशन टा केते होची चेक करन 4 प्लस 24 प्लस 10 34 34 प्लस 10 44 प्लस 4 होची 48 राइट 48 ठीक अछि त 44 प्लस 4 48 प्लस 4p डिवाइड बाय एफ रा समेशन एफ वाला कॉलम रा समेशन केते होची 8 प्लस 2 10 10 प्लस 5 15 15 प्लस 4 19 19 प्लस p दिस इज गिवन अस 2.6 अबे का एटा सॉल्व करले आंसर आसीबो कोन सॉल्व करले कोन आसीबो सॉल्व करले p इक्वल टू 1 आसीबो कोन p इक्वल टू 1 आसीबो राइट सो ऑप्शन ए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एटा कोन ऑप्शन ए द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेस्ट इज यूजफुल इन इन फाइंडिंग एडम ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स से पढ़ी छि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हला एडा कोन दिस इज मीडियन ऑप्शन सी एते डिटेल रे स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई छि हला एटा मु कहोनी एटा निजे ट्राई करलो निजे होमवर्क मते कमेंट रे देखिया केतरा पिला वीडियो देखु चंती मते कमेंट रे आंसर टा कमेंट करिवे ताकि मु जानि पिला एक्चुअली देखु चंती वीडियो कि नाही स्टैटिस्टिक्स रो डिटेल रे पढ़ाई छि हला मते या आंसर टा माने कमेंट रे कमेंट माने कमेंट रे आपण कमेंट करिवे त मु जानिबे कि वीडियो पिला देखु चंती कि नाही हला इंटेंशनली एटा छाडु छु मु व्हाट इज मोड ऑफ दिस डाटा डाटा रो मोड केते ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स रे डिटेल पढ़ाई सारि छि एटा रे केमती करिया मॉडल क्लास कोटा दिस इज द मॉडल क्लास हला मॉडल क्लास तादर एक्स नॉट कोन एक्स नॉट होची एटा दिस इज 20 प्लस प्लस इंटरवल गैप टा केते हो देखंतु दिस इज 10 हला प्लस 10 इनटू या भितर एटा माइनस करिवी हला प्रीवियस प्रीवियस एटा दिस इज 32 माइनस 12 दैट इज 20 डिवाइड बाय 20 प्लस दिस माने बेसिकली या ए जो ए गैप दिस इज 20 एंड दिस इज 32 माइनस 20 होची 12 राइट सो एटा सॉल्व करले केते होची 20 प्लस 20 डिवाइड बाय दिस इज 10 इनटू 20 डिवाइड बाय 32 20 बाय 32 होची केते 0.625 ता माने दिस इज 20 प्लस 6.25 दैट इज 26.25 ऑप्शन सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्रोबेबिलिटी केते बळे 1 टू अधिक आइ परिवनी 2 बाय 3 0.66 हला 1.5 एटा थई परिवनी हला एटा हव ऑप्शन माइनस 1.5 अछि ना एटी कोन लिखाइ छि दिस इज माइनस 1.5 सो एटा हव आंसर है ना दिस कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 15% ता कोन 15% बेसिकली 15 बाय 100 दैट इज 0.15 0.15 टा लेस देन 1 सो दिस कैन बी प्रोबेबिलिटी हला 0.7% अगेन दिस इज लेस देन 1 0.7% माने कोन अगेन आउरी दीटा डिजिट आकु पळेबो डेसिमल राइट सो ए सब होई पारियो दिस इज माइनस 1.5 होई पारियो फॉर एन इवेंट इफ पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट क्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट त माने कोन पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 राइट व्हेन अ थ्राई व्हेन अ डाई इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
an odd number less than 5. Less than 5 odd number kona 1 or 3 rather than 2 by 6, that is 1 by 3. A letter is chosen at random from English alphabets. Alphabets wala. Alphabets ho. Then the probability that letter chosen precedes G. Precedes mane G agro. Mane A B C A B C D E F. Kitra acha. Mane basically etik ta precede koruchi. G agro etik aschi hela. Precede mane kon? Precede mane hochi agro. Hela. Ta 6 by 26 haba katha. But option re ta nahi. Hela. Ta mane kon? Ta mane bodhe G ko bhi include karai yechi. Right? Ta mane 17 hi jauchi. Kon 7 by 26. Hela. 6 by 26 हबा कथा मो हिसाब रे ला बट जे तो ऑप्शन नै त 7 by 26 कर देली अपन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू डिफरेंट फ्रेंड्स हैव डिफरेंट बर्थडेस ओके प्रोबेबिलिटी माने फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस हला फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स त कोन इग्नोरिंग जदी लीप ईयर होनी ताले टोटल डेज केते 365 डेज ताले पॉसिबल आउटकम्स होजी कोन 365 डेज पॉसिबिलिटी 365 ना 365 भीतरु को दिन भी तांगा बर्थडे हे परियो राइट ओके त माने टोटल केसेस ता होती 365 अब क्या मैं आसी फेवरेबल केस को ओके कोई चीज दे हैव डिफरेंट बर्थडेस यदि सेम बर्थडे हे तांदा ताने दि जन को बर्थडे यदि गोटे दिन पडु तांदा ताले प्रोबेबिलिटी तांदा 1/365 कने गोटे दिन दि जन को बर्थडे पडु छी सही केस रे हे तांदा 1/365 बट डिफरेंट कहि छी डिफरेंट डेट रे माने टोटल प्रोबेबिलिटी होची 1 माइनस 1/365 दैट इज 364/365 right kahina different birthdays koi chi mane tanko dates different same day re hitle 1/365 different days mane 364/365 a box contains 3 blue 2 white and 4 red marbles 3 5 3 2 5 4 9 theek ach if a marble is drawn at random from the box what is the probability that it will not be white okay total probability hochi 1 आउ व्हाइट मार्बल ड्रॉ करे प्रोबेबिलिटी कते दीटा व्हाइट अछि त माने 2/9 त माने दिस इज टोटल माइनस ड्रॉइंग व्हाइट सेडी बाहर जे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट व्हाइट त माने दिस इज 7/9 ऑप्शन बी टू डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट नंबर्स ऑन द डाइस डिफरेंट नंबर्स हला टोटल केसेस त होची टोटल प्रोबेबिलिटी होची 1 हला प्रोबेबिलिटी टोटल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर्स एटा दियो माइनस कर देबी ताहले आ जइबो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट नंबर्स राइट ओके अबे काम बाहर करबी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर हला ताहले कोन हे परिबो 1 1 हला 2 2 डॉट डॉट अप टू 6 6 हला एटा होच सेम नंबर पाया हला जे सेम नंबर पाया ताहले प्रोबेबिलिटी कोन हबो टोटल 6टा केस आउट ऑफ टोटल केस केते दीटा डाइस थ्रो करे टोटल पॉसिबिलिटी 36 तमन दिस इज 1/6 ताहले probability of getting different number कोन same number रो probability हमरा असला 1/6 ताहले different रो केते हो 1 - 1/6 that is 5/6 finally अपन को 50th number question last number रे पहुंच गले हमें एटा अपन को होमवर्क दबा कटा बट फिर भी मु कर दो छी from a group of 2 boys and 3 girls 2 children are selected at random the probability that at least one boy is selected at least one boy माने कोन exactly one boy author likh do jodi at least one ko sabale exactly se convert karibe at least one case mane exactly one boy hela exactly one boy and one girl or two boys at least one mane kon गोटे बॉय एंड गोटे गर्ल और दीटा जाक बॉय राइट ए दीटा तो केस हो है ना तो गोटे इन समय को तो टोटल केसेस कौन दीटा टू चिल्ड्रन आर सेटेड रैंडम माने टोटल पिला छन केते पांचटा माने टोटल केसेस होची 5 सी 2 एग्जैक्टली वन बॉय माने गोटे बॉय गोटे गर्ल माने 2 सी 1 दीटा बॉय भीतर गोटे बॉय सिलेक्ट करली गर्ल तीनटा भीतर गोटे गर्ल सिलेक्ट करली और एटा गुट्टे केस हे परबो और माने होची एडिशन है ना और दीटा जको बॉय भी हे परबे माने 2c2 राइट तो दिस इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच 2c1 एंड 3c1 होची 6 आउ 2c2 होची 1 त माने टोटल 7 डिवाइड बाय 5c2 होची 10 सो सी
मो कामटा को बहुत ऑनेस्टली कली आपको टोटल 50टा क्वेश्चन बुझेली 50 क्वेश्चन आई एक्सप्लेन इन वन वीडियो गोटे वीडियो रे 50टा क्वेश्चन बुझेली हला जदि आपको लागुच एफर्ट जदि आपको लागिला कि ऑनेस्टली एफर्ट करा होची फ्री ऑफ कॉस्ट रे गोटे क्लास रे 50टा क्वेश्चन बुझा होची कंप्लीट टेस्ट बुझा होची जदि आपको टिके भी लागुच कि जिनसा मु ऑनेस्टली काम करूची एफर्ट निजर 100% एफर्ट दोची तहले काइंडली वीडियोटा को शेयर करिवे जो भी ग्रुप रे आपन अछंती जो भी व्हाट्सएप कि टेलीग्राम ग्रुप एसोर आपण अच्छा भिडियो सेयार करेंगे सांग सहित भिडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।